कराटे क्लास चल रहा था। 10 जनवरी 1964 छठे पेज के मध्य आदि में बात चल रही थी। माया से जीत पहनना और हराने का नाम तो यहाँ ही होता है। भक्ति मार्ग में जीत पहनने का हराने की बात कोई भी नहीं जानते हैं। भक्ति मार्ग में आए सुने कभी भागवत सुनी फिर कभी रामायण सुनी। देखो इस समय नाम है ना, इनका कोई नाम थोड़े ही है। ये गीता भी मनुष्यों ने शास्त्र बनाए रखा है। नहीं जी, ये है ही ज्ञान, इसका वास्तव में कोई शास्त्र नहीं बनता है। अगर जो बनता है तो झूठ बन जाता है, क्योंकि ये तो नॉलेज है ना। इस नॉलेज की धारणा करनी होती है। इस शास्त्र को कोई पुस्तक नहीं कहा जाएगा, नहीं, इसका नाम ही कोई भी नहीं कह रख सकते हैं। परंतु धर्म है तो धर्म के लिए ये गीता का पुस्तक रचा हुआ है कि बाप ने आकर के पढ़ाया था। वास्तव में गीता है ही ज्ञान का पुस्तक। परंतु द्वापर युग से भक्ति की लाइन में आ गया, झूठा हो गया ना, तो भक्ति की लाइन में आ गया। नहीं तो वास्तव में इस गीता शास्त्र की दरकार नहीं है, क्योंकि झूठा झूठा शास्त्र कोई क्या करेगा, जिसमें कोई फायदा नहीं। अभी तक कोई फायदा हुआ है क्या? इससे तो किताब पढ़ना अच्छा होता है। कॉलेज में बैठ करके पढ़ेंगे, 2-2 हजार 3-3 हजार पगार मिल जाता है, और गीता वालों को क्या मिलता है? हाँ, कोई को अच्छी तरह से बैठकर भगवान याद कराओ और ये अच्छी तरह से अर्थ भी समझाओ तो भगत आएंगे सुनकर के तुरंत 2-2 पैसा दे देंगे। फिर भी तो नाम रखा हुआ है ना शास्त्र, उसमें भी गीता का नंबर 1 और गीता का शास्त्र वास्तव में पढ़ते ही ब्राह्मण है। अभी तुम भी ब्राह्मण हो ना, तुम्हारा गीता के ऊपर हक है, क्योंकि ब्राह्मण ही पढ़ते हैं। वो सन्यासी, वो पंडित, फलाना, कोई शूद्र, कितने मनुष्य पढ़ते हैं। नहीं तो पढ़ना है ब्राह्मणों को, और तुम सीखते भी हो।
तक यहाँ ब्राह्मण नाज बने तब तक तुम देवता बन नहीं सकते। ये गीता है मनुष्य से देवता बनने का शास्त्र। ब्राह्मण भी मनुष्य ही होते हैं, वहां तो सभी शूद्र वगैरह, मुसलमान, पारसी, हिंदू, अंग्रेज वगैरह सभी भाषाओं में सभी गीता पढ़ते हैं, हर कोई वहां ब्राह्मण थोड़े ही होते हैं। क्रिश्चियंस में कोई ब्राह्मण होगा क्या? पारसियों में ब्राह्मण होगा? अरे मुसलमानों में ब्राह्मण होगा? नहीं, ये भारत में ही ब्राह्मण होते हैं। सो भी कौन से ब्राह्मण पढ़ते हैं? ये जो ब्रह्मा के मुखवंशावली बच्चे हैं वो ही पढ़ते हैं। वैसे ब्राह्मण तो बहुत हैं, ढेर के ढेर। ये सारस्वत ब्राह्मण और वो जो हम अजमेर में रहते थे उनको पुष्करणी ब्राह्मण कहते, वो धामा खाने वाले हैं और ये पाठ सुनाने वाले हैं। तो ये सभी मीठी मीठी बातें तुम जानते हो। जिसकी कोई दरकार नहीं है, दरकार तो है सिर्फ अलफ और बे को याद करने की। बे से बादशाही मिलती है, तो इसलिए जब भी तुम बच्चों को कोई भी मिले तो उन्हें कहो कि अलफ को याद करो, अलफ माना अल्लाह यानी बाप, ऊंचते ऊंचे है ना, अलफ को ईश्वर कहा जाता है। देखो ये अलफ है ना, तो फिर बे कैसे होंगे? यहां से मिलकर के यहां हो जाएंगे बे बादशाही। अलफ देखो, सीधा सीधा अलफ, और अलफ को एक भी कहा जाता है, और बस एक ही है, एक ही भगवान, बाकी सब बच्चे। तो अलफ मना अलफ होता है ना, बे तो होता ही नहीं। ये बाबा बादशाही कमाते हैं, ऐसे बादशाह बनते हैं? नहीं, अलफ वो तो अलफ ही रहते हैं और तुमको ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, नॉलेज भी देते हैं और तुम ये नॉलेज लेते हो। 10 जनवरी 1964 की वाणी का सातवां पेज। ये भी बहुत खुशी में रहना चाहिए कि बाबा कैसा मीठा है, आए करके हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको बरोबर इस विश्व का मालिक बनाते हैं। फिर बाप इस विश्व में और जगह तो आते ही नहीं है, यहां वहां तो आते नहीं। जो पवित्रता की जगह है वहां आते ही नहीं है। क्यों नहीं आते हैं?
ये तो गीत है ना, जब पावन होते हैं तो कोई बुलाते नहीं है, जब पतित होते हैं तब ही बुलाते हैं। तो पावन होकर के क्या करेगा आकर, तो उसका नाम ही रखा हुआ है पतित पावन। पतित दुनिया को पावन बनाना, तो पुरानी दुनिया को नहीं बनाना। उनकी ड्यूटी कहे पार्ट बजाने का है, बस यही है। उनका नाम ही शिव है, उनका शरीर का नाम भी, ये तो फैलाने का नाम है ना। अगर ब्रह्मा का नाम पड़ता तो भी मनुष्य का नाम पड़ता है। ये तो शिव और शालिग्राम, शालिग्राम कहा जाता है बच्चों को। फिर नाम है शालिग्राम कहो, रुद्र कहो, इनकी भी पूजा होती है, जिनकी समझ अभी तुम बच्चों को मिलती है। नहीं तो जो पूजा करने वाले होते हैं, रुद्र ये की रचते हैं, उनको तो ये सब कुछ मालूम नहीं है। उनकी भी तो पूजा होना चाहिए ना, क्योंकि गाया हुआ है ऊंचे ते ऊंचा भगवान, तो उनकी भी पूजा होना चाहिए। अब बताओ पूजा किसकी करें? लेकिन देवियों के चित्र तो बहुत फर्स्ट क्लास बनाते, हीरे मोती जवाहर वगैरह देते हैं, और क्या उनकी पूजा करेंगे? यहां तो देखो मिट्टी का बनाया फोड़ा, क्योंकि उनका शेप तो मनुष्य का या देवी देवता का होता नहीं है, बनाते नहीं है। उन देवी देवताओं का शेप बनाने में तो मेहनत लगती है, और लिंग बनाने में क्या मेहनत लगती है? बाकी पूजा में भी कोई मेहनत नहीं लगती, मुफ्त में मिलता है। देखो देवी देवताओं के चित्र मुफ्त में नहीं मिलते हैं, इतना सस्ता और कोई नहीं है। तुमको पता है ये लिंग कहां से आते हैं? ये पत्थर है ना, घिस घिस करके और गोल बन जाते हैं, फिर उनमें जो बहुत चिकने और गोल बन जाते हैं उनको ले आते हैं। कोई कोई में सोने का भी थोड़ा थोड़ा रहता है, बाकी हैं तो वो ही पत्थर। फिर वो पत्थर घिस भी जाते हैं ना, कोई तो थोड़े कम गोलाई वाले रहते हैं, उनको घिस करके एकदम पूरा अंडा बनाए देते हैं। और अंडे का भी तो मिसाल दिया है ना, अंडे मिसाल आत्मा, जो ब्रह्म तत्व में निवास करती है, इसलिए ऊपर नाम पड़ गया है ब्रह्मांड। अंडों के रहने की जगह ब्रह्म महत्तत्व है। तुम बरोबर ब्रह्म महत्तत्व में अंडे बनकर रहते हो ना,
बाप कहते हैं तुम तो ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो, जैसे मैं बनता हूं और फिर तुम विश्व के मालिक भी बनते हो। मैं तो नहीं बनता हूं। तो ये सभी जो बाप समझाते हैं तो पहले समझानी देनी है बाप की, और बाप को तो साहब याद करते हैं, सेवको बाबा जरूर कहते हैं। एक शिव को बाबा कहते हैं, दूसरा ब्रह्मा को बाबा कहते हैं। प्रजा पिता ब्रह्मा, तो सारी प्रजा हो गई ना, इसलिए इनको कहते हैं प्रजा का ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। क्योंकि प्रजा शुरू से होती है देवताओं की, पीछे भिन्न भिन्न के हो जाते हैं। तो ये ज्ञान बच्चों की बुद्धि में यथार्थ से बैठना है। यूं प्रजापिता ब्रह्मा तो बहुत कहते हैं, पर उनको यथार्थ थोड़े ही जानते हैं। कैसे है प्रजापिता ब्रह्मा, किसने बनाया है, किसका बच्चा है, कोई भी कभी देखा है कि ब्रह्मा किसका बच्चा है? तुम कहेंगे हाँ परमपिता परमात्मा शिव ने उनको एडॉप्ट किया है। तुम्हारे से बहुत पूछते होंगे ब्रह्मा का बाप कौन है, क्योंकि शरीरधारी है ना, तो शरीरधारी तो सभी कहते हैं कि हम सभी ईश्वर की औलाद हैं। कभी ईश्वर की औलाद तो समझना चाहिए आत्मा है। वो कहते हैं हम ईश्वर की औलाद हैं। फिर जब शरीर मिलता है तब किसकी औलाद बन जाते हो? फिर कहते हैं ये प्रजापिता ब्रह्मा की एडॉप्शन है। वो एडॉप्शन थोड़े ही कहेंगे दुनिया में, 10 जनवरी 1964 की वाणी का 8वां पेज। आत्माओं को परमपिता परमात्मा ने अडॉप्ट किया है, परंतु ऐसा तो नहीं कहेंगे। आत्माएं निराकार और परमपिता परमात्मा भी निराकार। निराकार निराकार को कैसे अडॉप्ट करेगा? हाँ साकार मनुष्यों के लिए कहेंगे, देखो अभी तुमको अडॉप्ट किया है ना प्रजापिता ब्रह्मा, फिर तुम ब्रह्मा कुमार कुमारी है। तो ये हुआ एडॉप्शन। शिव बाबा एडॉप्ट नहीं करते हैं, वो तो अनादि है। इतने सभी एक्टर्स जब ये नाटक बना है तो वो तभी की बातें हैं। आत्मा भी बनी, आत्माओं को फिर शरीर मिला, फिर सबको पार्ट मिला। आत्माओं को पार्ट मिला है ना, जो शरीर से पार्ट बजाना है। तो
तो ये अनादि परंपरा से चला आता है, फिर उनकी कोई भी शुरुआत नहीं कह सकते हैं। न शुरुआत है न इंड है, क्योंकि जब मनुष्य समझाते हैं कि दुनिया की एंड होती है ना, तो एंड हो गई, खेल खलास हो गया, फिर बनेगा कैसे? इसलिए कहते हैं इंड नहीं होती है, ये अनादि है, ये पार्ट चलता ही चलता रहता है, अनादि है, पूछने की दरकार ही नहीं रहती है। इस बात को समझा सकते हैं, कोई ने पूछ लिया कब बनी आत्माओं ने पहले पहले शरीर कैसे लिए? अरे पहले पहले ये शरीर की बात ही नहीं है, प्रलय तो कभी होती ही नहीं है, तो पहले पहले की बात ही नहीं, ये तो प्रलय का बड़ा गपोड़ा लगाया हुआ है। इस बात को समझाना, प्रकृष्ट रूप में लीन कभी नहीं होता है। हाँ, वहां नई दुनिया में मनुष्य बहुत थोड़े होंगे, ऐसे नहीं कि सब लीन हो जाएंगे। जैसे प्रलय हो गई हो ऐसे कह सकेंगे, क्योंकि प्रलय तो पूरी रीत लीन हो जाना चाहिए, लीन तो होता नहीं। या तुम कहेंगे जैसे प्रलय हो गई, क्योंकि अभी यहां 500 करोड़ मनुष्य है, वहां 60 लाख होंगे, वो तो बहुत थोड़े हो गए, तो इसको कहा जाएगा जैसे प्रलय हो गई। और तुमको क्या देखने में आएगा? हाँ, तुमको देखने में आएगा दूर दूर सब पानी ही पानी हो जाता है, ये सब पानी के अंदर चले जाएंगे, पानी पानी हो जाएगा ना, वहां पहाड़ियां पहाड़ियां नहीं रहेंगी, वो पहाड़ियां भी एक ही चीज देखने में आएंगी, नहीं तो जल में ही देखने में आता है। ये भारत जलमयी होता नहीं है, तो ये सभी बातें समझने की हैं। अब ये विचार सागर मंथन, ये ब्रह्मा तो विचार सागर मंथन करता नहीं है, वो तो बाबे में जो ज्ञान है वो इमर्ज हो जाता है, फिर ज्ञान के बाद जब शुरू करेंगे तो जैसे शुरू किया हुआ है तो शुरू करते करते पिछाड़ी में बंद हो जाएगा। और दूसरी तरफ कहते हैं 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिल सकती है, वो तो बरोबर है, कि समझ की बात है। अच्छा, जैसे ये बीज है तो इसका सारा झाड़ बुद्धि में आ गया, फिर उनका विस्तार करने से बड़ा टाइम लग जाता है,
मनुष्यों को झाड़ का थोड़ा थोड़ा लेकर के समझाने में बहुत मुश्किल हो जाए। सालों साल झाड़ के पत्ते कोई गिने भी नहीं जाएंगे। अभी भी गपोड़ा मारते रहते हैं, क्या कोई पत्तों को गिन सकेगा? ये गिनती कोई थोड़े ही होती है। नए नए पत्ते निकलते जाते हैं, झड़ते जाते हैं, गुम हो जाते हैं। निकलते ही रहते हैं, कोई थोड़े ही एक्यूरेट सभी बता सकते। तो ये ज्ञान भी तुम सभी समझ गए हो। बाबा जब से आते हैं तब से ज्ञान शुरू होता है। पहले जैसे कि ये पढ़ते हैं अलफ बे, फिर मे ते, फिर पहली पौड़ी, दूसरी पौड़ी, तीसरी पौड़ी, चौथी पौड़ी। तो देखो पढ़ने में कितना समय लग जाता है। तो तुम सब पुस्तकें पढ़ जाते हो, सब किताब पढ़ जाते हो, सब तुम्हारी बुद्धि में सारे सृष्टि का, सारे बीज और झाड़ का ज्ञान वो हद के हैं। ये बीज बेहद का है, जिसकी आयु 5000 वर्ष है, बाकी बीज के कोई लाखों वर्ष थोड़े ही होते हैं। तो अभी तुम समझते हो कि अभी हम समझदार बन गए। क्या समझदार बने हैं? हम बाबा को भी जानते हैं और ये सृष्टि के आदि मध्यम जो ड्यूरेशन मुख्य एक्टर्स वगैरह को भी जानते हैं। जो कोई भी दुनिया में नहीं जानते, पहले तो हम भी नहीं जानते थे। तो बस इस नॉलेज को तुम ही कहेंगे ऐसे, और तो वो ही नॉलेज पढ़ते रहते हैं पुरानी, जो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं और पढ़ते जाते हैं। 10 जनवरी 1964 की वाणी का 9वां पेज। तुम पढ़ के इस जन्म में 21 जन्म में फिर पढ़ते हो? नहीं, तो न जानते थे वो, तो जैसे निर्धन के थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। अभी भी जो अच्छी तरह से जानते हैं वो आपस में कभी भी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। जो नहीं जानते हैं वो लड़ेंगे झगड़ेंगे? ये ज्ञानी और अज्ञानी की पहचान है। अच्छा, आज टोली क्या है? बहुत पुरुषार्थी, कोई मेल हो फीमेल हो कोई भी आवे, जो बहुत पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे तो कोई भी पुरुषार्थ करने वाला नहीं है। समझाते हैं कि नहीं, देखो तो भी देखने बगैर रहते नहीं है। इसको न देख करके वो सामने बाबा को देखो, फिर भी कुछ न कुछ जो आदत पड़ी हुई है वो ऐसे ही कहेंगे कि हमारी नजर पड़ जाती है उसके ऊपर। तो ये भी प्रैक्टिस करनी है कि नजर न पड़े। बाबा कहते हैं ऐसे ही मुझे देखो सामने,
भोग की कोई भी चीज मिष्ठान्न की हो बाहर से नहीं आनी चाहिए, वो पाउथ ही हो जाती है। पाउथ था भोग कभी थोड़े ही लगाया जाता है। फल को कहा जाता है कि वो पाउथ था नहीं होता है, तो कभी भी कोई बाहर की चीज नहीं आवे, ऐसा भोग नहीं लगाना चाहिए। बल्कि तुम बच्चे हो उनके, तो जब शिव बाबा को भोग नहीं लगाते हैं तो ये क्यों लगा दे? तो ये जो वहां की मिठाई बना करके आते हैं वो तो बहुतों के हाथ लगते रहते हैं। ये धक्का खाने वाली चीज है, पावती हो जाती है, तो पावती चीज भी भोग नहीं लगाई जाती है। इसलिए भोग सदैव ताजा बने, उनको लिख देवे कि भोग किसी का भी नहीं लगेगा जो बन करके आएंगे, तो ताजा ही भोग बनेगा। देखो गुरुद्वारा है वहां रोज प्रसाद बनता है, सिवाय प्रसाद के वहां कोई भी चीज नहीं लगती है और बहुत शुद्धता से ले आते हैं। अच्छा श्रीनाथ द्वारे में प्रसाद लगता है वो भी ताजा, मिठाई फिर प्रसाद होकर के फिर बांटी जाती है, वो प्रसाद लेकर के चले जाते हैं माइलों दूर, बहुत दिन लग जाते हैं। अभी तुम हो शिव बाबा के बच्चे, जैसे शिव को नहीं वो छी-छी भोग लगाना चाहिए, वैसे वास्तव में ये भी नहीं लगाना चाहिए। मिठाई वगैरह कुछ भी आवे तो वो ताजी आवे, ताजी लगे, तुमको भी भोग ताजा लगाना चाहिए। तो बनाते हैं किसी बच्चे ने कहा भोग हमेशा ताजा ही लगता है बाबा, हम तो ताजी टोली ही खिलाते हैं, कुछ भी भोग के ऊपर बन सकता है, भोग 50 रुपए का भी बन सकता है, 100 रुपए का भी बन सकता है, लेकिन ताजा। अच्छा शिकील दे रूवानी बच्चों प्रति बाप दादा का दिल या चांद दिल व जान सिख व प्रेम से, देखो मेरे को सभी बच्चे याद आते हैं, तो सिर्फ तुमको देख करके नहीं कहता हूं, देखता तो मैं भल तुमको हूं, परंतु बाबा कहते हैं ना रूहानी बच्चे, पीछे ये नजर पड़ती है दूर दूर, फिर जैसे गायब हो जाते हैं। तो मैं भी जब देखता हूं तो बच्चे 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 पीछे पहुंच गया बहुत दूर, परंतु दिल में ये है कि बरोबर सभी बच्चों को याद प्यार देता हूं, क्योंकि बच्चे तो सब है ना, विराट के तरफ भी बच्चे अनेक हैं, क्योंकि सब आत्माओं की सदगति होती है। जो भी आत्माएं हैं उन सब का कल्याण करना है। देखो ये डिटेल में बैठ करके समझाना, हाँ
ये जो कहने वाले हैं श्री श्री 1000, श्री श्री 108 जगत गुरु, अभी जगत गुरु को ये लोग कभी याद थोड़े ही करते होंगे, नहीं? ये बाबा जो सच्चा है ना, वो ये याद करता है, तब जो भी आत्मा है सबकी सदगति होती है। उनकी बुद्धि में कभी ये बातें बैठेंगी नहीं, जो बैठ करके समझावे मैं सबका बाप हूं और मैं सबकी सदगति करता हूं, और फिर भी कहते हैं मैं सर्वव्यापी हूं, तो बोलेंगे मेरा सभी जगत गुरु हो गए। अगर सर्वव्यापी है तो, परंतु तुम थोड़े ही हुए, ये तो रंग बातें हैं। अच्छा, ओम शांति। वो ग्वाल बालों का ईश्वर है। ग्वाल बाल जो होते हैं बच्चा बुद्धि होते हैं, उनका मालिक है, और वो भुवन ईश्वर है, भुवनेश्वर है। भुवन किसे कहते हैं? है? सारी दुनिया को क्या कहते हैं? भुवन। वो सारी दुनिया का ईश्वर है, भुवनेश्वर है। पुरी में उसका नाम क्या रख दिया है? अरे, पुरी के देवता का नाम क्या रख दिया है? जगन्नाथ। बाजू में जगन्नाथ बने बैठा है। और सांप दिखाते हैं, हाँ, कहते ना ये तो मेरे गले पड़ गया, ये मेरे गले पड़ गई। माना कोई पीछे पड़ जाता है, छोड़ता ही नहीं है, छोड़ाना चाहे तो भी नहीं छोड़ता है, तो क्या कहते हैं? ये मेरे गले पड़ गया। तो ऐसे ही जो सांप जैसी विकारी आत्माएं हैं, वो विकारी आत्माएं कोई तो शंकर जी के गले में पड़ी हुई है। मोह की फांस बनकर कोई कमर में लगी हुई है, काम विकार की मूर्तियां हैं, कोई लोभ और क्रोध के रूप में दाई और बाई भुजा में लिपटी हुई है, और कोई अहंकारियों के रूप में सर के ऊपर दिखाई देती है, सर पर चढ़ी हुई है। उन मनुष्य आत्माओं के लिए ही कहा गया है, शंकर जी को सांप लिपटे रहते हैं तो भी उन विषैले सांपों का संग का रंग उनको लगता है? नहीं लगता है। जैसे कहते हैं, मिसाल देते हैं, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहे भुजंग। चंदन का पेड़ होता है, उसमें सांप लिपटे हुए रहते हैं विषैले, लेकिन चंदन फिर भी खुशबू छोड़ता है या जहर छोड़ता है? खुशबू ही छोड़ता है। इसके लिए मुरली में भी बोला है, 100 बगुलों के बीच में एक हंस अपनी मस्ती में बना रहे।
उसको कहते हैं पुरुषार्थी अंश। और माने ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश है, प्रवेश है, वो अधूरा चंद्रमा है या संपूर्ण चंद्रमा है? अधूरा है, संपूर्ण पुरुषार्थ नहीं हुआ है, संपूर्ण ज्ञानी नहीं बना है, ज्ञान की रोशनी संपूर्ण नहीं हुई है, अधूरी बेसिक नॉलेज है बुद्धि में। ऐसी आत्मा जो बेसिक वालों की तरफ से श्रेष्ठ पुरुषार्थी है, वो मस्तक पर चढ़ाई हुई है, सर माथे पर चढ़ाई हुई है। शंकर प्रतीक नहीं है तो याद में क्यों बैठता है? शंकर प्रतीक नहीं है तो याद में क्यों बैठता है? प्रतीक नहीं है तो याद में क्यों बैठता है? हाँ, शंकर जिसकी मूर्तियां बनाई जाती हैं, वो इस संसार की यादगार हैं या सूक्ष्म वतन की यादगार हैं? इस संसार की यादगार शंकर की मूर्तियां हैं, और जो मूर्तियां हैं याद में बैठी हुई दिखाई जाती हैं, वो पुरुषार्थ के अंतिम समय की यादगार हैं या अधूरे पुरुषार्थ की यादगार हैं? है? अंतिम समय की यादगार है कि शंकर याद में बैठा हुआ है, कुछ भी नहीं करता है? शंकर क्या करता है? कुछ भी नहीं। और याद कोई कर्म है क्या? कर्म तो कर्मेंद्रियों से किया जाता है, याद कर्मेंद्रियों से की जाती है क्या? की जाती है? है नहीं? तो शंकर जो याद में बैठा हुआ है, वो पुरुषार्थी जीवन के शंकर की यादगार है, वो यादगार नहीं है जिसको सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है। जिसको सूक्ष्म वतनवासी दिखाया है वो सूक्ष्म स्टेज में है, माना मनन चिंतन मंथन की स्टेज है, और मनन चिंतन मंथन की जो स्टेज है वो पतित स्टेज है या पावन स्टेज है? है बोलो। मनन चिंतन मंथन ज्ञान का करना, ये आत्मा की पतित स्टेज है या पावन स्टेज है? पावन स्टेज है। तो वो पावन स्टेज को ही सूक्ष्म वतनवासी शंकर कहा जाता है। तुम बच्चे भी ये प्रैक्टिस करो। अव्यक्तवाणी में डायरेक्शन है, अभी अभी साकार वतनवासी, साकार इंद्रियों से कर्म करने वाले, अभी अभी आकारी वतनवासी, अर्थात मनन चिंतन मंथन की स्टेज में रहने वाले, अभी अभी निराकारी ज्योति बिंदु स्वरूप, घड़ी घड़ी ये प्रैक्टिस करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। तो जब बच्चों की तीन स्टेजेस हो सकती हैं, तो शंकर की नहीं हो सकती है? हो सकती है। शंकर की मूर्तियां तो सारी दुनिया में मिल रही हैं, इतनी मूर्तियां और किसी देवता की नहीं मिलती।
जैनियों में उनको तीर्थंकर कहते हैं। इससे साबित होता है कि शंकर तीन आत्माओं के पाठ का सम्मिश्रण है, शंकर मन मिक्स। कौन कौन? ब्रह्मा की सोल भी है मनन चिंतन मंथन की स्टेज में साथ में, राम की आत्मा भी है मनन चिंतन मंथन की स्टेज में और साथ में शिव बाबा भी है, तब ही मनन चिंतन मंथन ज्ञान युक्त हो सकता है। अगर शिव बाबा की याद नहीं है मनन चिंतन मंथन के समय तो मनन चिंतन शुद्ध होगा या दूषित होगा? दूषित हो जाएगा। और ओहो, आत्मा की तो ढेरों शक्तियां हैं, ये तो मनुष्यों ने गिना दी है चित्रों में। सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, शास्त्रकारों ने उनको सिद्धियां कह दी है, अणिमा लगिमा महिमा आदि आदि। वरना आत्मा की तो अनंत शक्तियां हैं, आत्मा के अनंत गुण हैं। ऐसे नहीं कि आत्मा 16 कलाओं में बांधी जा सकती है। ये 16 कलाएं कोई गिनी हुई 16 कलाएं नहीं है, ये 16 कलाएं तो आत्मा की रोशनी का मेजरमेंट है। तौल या माप है, और जिसका मान मर्तबा सबसे ऊंचा हो जाता है उसका नाम है ज्ञान सरोवर, मान सरोवर। कैसा ज्ञान सरोवर? जिसका मान मर्तबा संसार में सबसे ऊंचा होता है। क्यों ऊंचा होता है? क्योंकि वो दुनिया की सबसे ऊंची स्टेज में स्थित होता है। ऐसी ऊंची स्टेज में जो ज्ञानमान सरोवर है, जहां का पानी शीशे के मुआफिक पारदर्शी दिखाई देता है, देह अभिमानी की मिट्टी का नाम निशान नहीं, वो है मान सरोवर। और उसके मुकाबले है ज्ञान सागर। और भी छोटे बड़े सरोवर हैं, वो ज्ञान जल के सरोवर है। उनका मान मर्तबा नंबरवार है, ऊंचे ते ऊंचा मान मर्तबा नहीं है। ज्ञान मान सरोवर के किनारे हंस आकर बैठते हैं, और जो भी सरोवर हैं उनके किनारे उनके नजदीक आकर के हंस को हंसों की मंडली आकर इकट्ठी नहीं होती है। अभिचारी और विधिचारी क्या मतलब है? और अभिचारी और विधिचारी क्या मतलब है? अभिचारी और विधिचारी में क्या अंतर है? बच्चा पूछ रहा है, विभिचारी और अव्यभिचारी में क्या मतलब है? एक को याद करेंगे
तो आप व्यभिचारी याद है, और अनेकों को याद करेंगे तो व्यभिचारी याद है। एक का संग करेंगे तो आप व्यभिचारी संग है, और अनेकों का संग करेंगे चाहे बुद्धि से, चाहे वाचा से, चाहे दृष्टि से, चाहे कर्मेंद्रियों से, अनेकों का संग करेंगे तो व्यभिचारी संग है। जैसे वैश्या होती है तो अनेकों पुरुषों का संग करती है, तो क्या कहेंगे उसको, व्यभिचारी या व्यभिचारी? व्यभिचारी वैश्या। इसका उल्टा कर दें तो एक का संग करने वाली वो देवियां कही जाती है। जैसे बाबा ने बताया कृष्ण की दृष्टि राधा में ही जावेगी, राधा को ही देखती है और किसी को नहीं देखती, और राधा की दृष्टि कृष्ण में, कृष्ण की दृष्टि राधा में, तो ये अव्यभिचारी दृष्टि हुई। देवताओं की संतान अव्यभिचारी संतान है, और श्रेष्ठ इंद्रियों की संतान है, भ्रष्ट इंद्रियों की संतान नहीं है। ये और भी प्लस पॉइंट है। थोड़ा और रिपीट कर दो तो हम पूरा समझ जाएं। थोड़ा समझा? अरे ये आगे वाले भी लंबे कान करके नहीं सुन पाते। शिवलिंग बहुत बड़ा है। हाँ, उसका नाम इतना बड़ा लिंग कहाँ से आ गया? वो तो यादगार है, जो बड़ा काम करता है उसका बड़ा चित्र बना देते हैं। जैसे पांडवों के चित्र कितने बड़े बड़े बनाए हैं, छत इतने ऊंचे चित्र बनाए हैं। इसका मतलब पांडवों ने बड़ा काम किया है या छोटा काम किया है? बड़ा काम किया है। जैसे लक्ष्मी नारायण के मंदिर बड़े बड़े भव्य बनाते हैं, और जगदम्बा का मंदिर और चित्र छोटा सा बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि जगदम्बा ने जो सेवा की है वो छोटी सेवा की है, इसलिए छोटा मंदिर है, और लक्ष्मी नारायण ने बड़ी भव्य सेवा की है भगवान की, ईश्वरीय कार्य की, तो उनके मंदिर यादगार बड़े बड़े बनाए। जगदम्बा ने भगवान के साथ बहुत बड़ा बड़ा मेला मनाया है, मिलन मेला मनाया है, तो जगदम्बा का मेला बहुत बड़ा लगता है, और देवियों का मेला छोटा छोटा लगता है। नंबर वन, तो काम के आधार पर चित्र बनाए गए, जो
शालिग्राम है वो छोटा काम है, छोटे लिंग बनाए गए, और शिव का लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं, रुद्र यज्ञ रचते हैं तो लिंग बहुत बड़ा बनाते हैं। इसका मतलब है उस भगवान की यादगार है जिसने बहुत बड़ा काम करके दिखाया। तो काम के आधार पर नाम पड़ता है, और वो काम जो बड़ा बड़ा किया है उसके आधार पर बड़े बड़े चित्र बनते हैं। हाँ, पानी के अंदर ही ज्ञान जल के अंदर ही रह करके बड़ा काम किया है। जो अज्ञान में रहेगा वो दुनियावी मनुष्यों की तरह दुनियावी छोटा काम करेगा या बड़ा काम करेगा? है, दुनियावी मनुष्य होते हैं वो लिंग से काम करते हैं तो बच्चा जरूर पैदा होता है। ये सामान्य काम हुआ या बड़ा काम हुआ? ये तो सामान्य काम हो गया। लेकिन भगवान जब आता है तो यादगार मंदिर बनता है, जलाधारी बनती है। बाबा बोलते हैं तुम सब पार्वतियां हो। तो जिनके लिए भी पार्वतियां बोला है वो पार्वतियां शिव की शक्तियां हैं ना। कैसी शक्तियां हैं? शिव उनके संग में है, संग में होते हुए भी एक भी पार्वती को बच्चा पैदा नहीं हो सकता। हो सकता है? है? नहीं हुआ है, इसलिए उसको अमोघ वीर्य कहा जाता है। किसको? उसके साकार स्वरूप के लिए ऐसे बोलते हैं। देखने में आता है दुनिया को कि विष पाई है, लेकिन विष पी करके कोई जिंदा रह सकता है? रहता है? विष पीने के बाद ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है। ज्ञान बुद्धि में से उड़ जाता है तो अनिश्चय बुद्धि हो जाता है, मर जाता है कि जिंदा रहता है? है? अनिश्चय बुद्धि बन जाता है। ओम शांति। दा तेरे।